नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपने शुरुआत की है अशोक पांडे के साथ ऑनलाइन लीगल एडवाइस में। आपने शुरुआत की है, आज का जो हमारा मुद्दा बड़ा विशेष है, रिवेंज पुल और रिवेंज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड स्कैम। आखिर ये क्या है? स्कैम हमेशा एक तरीके का नहीं होता, जहाँ पर सारी चीज़ें पैसों से ही संबंधित हो। इसके पहले भी हम लोगों ने काफ़ी सारे अपराध के बारे में बात की है, जहाँ पर ATM फ्रॉड कैसे होते हैं, कैसे बचना है, डिलीवरी फ्रॉड कैसे होते हैं, कैसे बचना है, क्या है कानून, पॉन्स एक्सटॉर्शन कैसे होता है, क्या है कानून, कैसे होगा उससे बचाव। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग रिवेंजफुल एटीट्यूड ऑफ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जो स्कैम है, इसके बारे में ज़रा हम लोग बात करेंगे। जी हाँ, शुरुआत में आपने एक रिश्ते में एंटर किया जो नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, हर एक कोई जा सकता है और होता ही है। जब आप इस रिश्ते में जाते हैं, शुरू में आपको प्यार होता है, प्यार के बाद में बात थोड़ी और आगे बढ़ती है, दोनों के बीच में थोड़े इंटीमेट कन्वर्सेशन होते हैं और बात आ जाती है वीडियो कॉल, फोटोग्राफ और चैटिंग तक, जहां पर आप अपनी न्यूड अश्लील पिक्चर्स एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, या कि आपके जो प्राइवेट वीडियोज़ हैं आप वीडियो कॉल में बात करते हैं। बहुत सारे ऐप हैं जहाँ पर आपकी बात होती है और इसी को स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू या कि अनजाने में रिकॉर्ड कर लिया जाता है एक पार्टनर के द्वारा या एक फ्रेंड के द्वारा, और फिर बाद में आपको इसी बात का डर दिखा करके अपनी मनमानी की जाती है। एक तो ये बात हो गई, दूसरा कई बार आप अपनी मर्जी अपनी इच्छा से दे देते हैं। क्यों? क्योंकि आप तभी प्यार में पागल होते हैं, आपको ये नहीं मालूम होता है कि ये जो चीज़ें आप अभी दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, इसका कल को आपको बहुत बुरा, बहुत भारी खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। अब जब कभी, ज़्यादातर ऐसे जो मामले होते हैं वो लड़कियों के साथ में होते हैं और किए जाते हैं लड़कों के द्वारा। वो क्या करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के फोटोग्राफ, वीडियोस, प्राइवेट चैट्स अपने पास में रख लेते हैं और फिर कहते हैं, जब कभी भी हो सकता है 6 महीने, कुछ महीने या साल भर आप लोग का रिश्ता ठीक चला, जब तक ठीक चला तो कोई परेशानी नहीं, जब बात बिगड़ जाती है तो बहुत बिगड़ जाती है और फिर समझ में नहीं आता कि किया क्या जाए। इस प्रकार के जो लोग होते हैं उन्हें साइंस की भाषा में साइकोपैथ कहा जाता है, मतलब ये एक तरीके की पागलों तरह हरकतें करनी शुरू कर जाते हैं। और ये एक तरीके का आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि इनको ये सहूर नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, वो किसी भी हद तक जाकर के अपने मनमानी आपके साथ में कर सकते हैं। बच के रहें, सतर्क रहें और अपने किसी भी तरीके के जो न्यूड पिक्चर्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, चैट्स हैं, इस प्रकार का ना करें, जो कि कल को आपके लिए काफ़ी बड़ा खतरा बन जाए। और अगर बन गया है तो क्या करना है, आपके फोटोग्राफ, आपके वीडियो, आपके प्राइवेट चैट, आपके मैसेजेस, सारी डिटेल्स एक दूसरे के पास में है और जो भी पार्टनर आपको थ्रेट कर रहा है उससे कैसे होगा बचाओ। सबसे पहली बात, आपको ज़रा अटपटा लगेगा लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि आपका जो करीबी है, चाहे आपका फैमिली मेम्बर आपका करीबी, आपके माता पिता, आपका भाई बहन या कोई और परिवार का सदस्य, या आपका कोई विशेष दोस्त जो आपकी इस मुद्दे पर मदद कर सके, आप उसके साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप कहीं पर इस प्रकार के रिवेंजफुल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड स्कैम में फंस चुके हैं, इसे स्कैम का ही नाम देंगे ना, क्यों? क्योंकि अब आपकी मर्जी नहीं, आपकी इच्छा नहीं उस रिश्ते को चलाना, लेकिन जो एक पर्सन है वो आपके ऊपर दबाव डाल रहा है। अब इससे बचना कैसे, निकलना कैसे, बड़ा अटपटा है, लेकिन उसके बावजूद वापस मैं आपको रिपीट करूंगा, अपने नज़दीकी अपने करीबी से बात ज़रूर करें। क्यों बात करें, उसके पीछे रीज़न है। कल को अगर आपको कुछ हो गया या आपने कुछ कर लिया तो कम से कम किसी व्यक्ति को जानकारी रहनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब आप अपने मन में अपने दिल के अंदर ही सारी बातें रखते हैं तो आपको अंदर से और ज़्यादा खाती है, आपको अंदर से और ज़्यादा बेचैन, आपको ज़्यादा परेशान करती है। तो जब आप अपने किसी नज़दीकी व्यक्ति के साथ में ये सारी बातें जब शेयर करेंगे, उसे बताएंगे कि आप इस तरीके की मुसीबत में फंस चुके हैं, तो हो सकता है वो व्यक्ति आपकी मदद भी करे और मदद करने के साथ इस परेशानी से निकलने का आपको एक रास्ता सुझाए। ना भी करे तो, क्योंकि आपने ये बात शेयर की है तो आपका कुछ ना कुछ दिमाग काम करना चलेगा, क्योंकि वो आपको अंदर से बातें खाएगी नहीं, आप परेशान नहीं रहोगे उस बात को लेकर के। और इस हिसाब से ये सबसे ज़रूरी है कि आप अपने किसी नज़दीकी, हो सके तो अपने माता पिता भाई बहन से ये बात ज़रूर शेयर करें। दूसरी बात, कानूनी एक्शन लें। आप डरे नहीं, घबराए नहीं, चिंता नहीं करें। कोई अगर आपको ब्लैकमेल कर रहा है, यहाँ पे अपराधी आप नहीं हैं, अपराधी वो है। और अगर समाज की मान प्रतिष्ठा से अगर आप डर रहे हैं तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप डरेंगे तो वो और उसका डर दिखा करके अपनी मनमानी करता जाएगा। और अगर आपने कहीं उसे ये कह दिया कि तुझे जो करना है तू कर, मैं तेरे खिलाफ में कानूनी एक्शन लूंगा या लूंगी, फिर थोड़ा डर तो उसके दिमाग में और जहन में भी होगा, तो हो सकता है वो रुक जाए। नहीं तो अगर उसने ऐसी गलती की या लगातार धमकी दे रहा है, तो वो सारे एविडेंस आप तैयार करो, आप रिकॉर्डिंग करो उसकी बात की, उसके मैसेजेस की, उसके स्क्रीनशॉट लेने कोशिश करो या जो भी आप उसे रिकॉर्ड करो,
और जैसे ही आपके एविडेंस हो जाए तो उसके खिलाफ में तुरंत प्रभाव पर आप शिकायत कर सकते हैं। कहाँ पर? मैजिस्ट्रेट कोर्ट में यदि करेंगे तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट एम्पावर करती है उस व्यक्ति को, सिक्योरिटी लेती है। 182 CRPC में प्रोविजन है कि आप उसे, उस व्यक्ति को जो ब्लैकमेल कर रहा है, थ्रेट कर रहा है किसी की मान मर्यादा प्रतिष्ठा को, इज्जत को, उस व्यक्ति को रिस्ट्रेंट करें। और वहाँ पर कोर्ट उसे बोल सकती है कि भैया तुमने अगर ये चीज़ कंटिन्यू करी या वापस से करोगे तो हम तुमको जेल में भेज देंगे, 3 साल का पनिशेबल ऑफेंस है। क्या प्रोविजन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस हिसाब से सबसे एक बेस्ट ऑप्शन हो गया अगर आप लीगल एक्शन लेते हैं, या कि आप अपने नज़दीकी लोकल पुलिस स्टेशन की भी मदद ले सकते हैं। वहाँ पर भी अगर आप जाएंगे तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे और इस बात को वो कॉन्फिडेंशियल भी रखेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर आपने अपने परिवार वालों के साथ में ये बात ऑलरेडी साझा कर दी है तो जिस बात का आपको डर दिखाया जा रहा था वो बात तो हो ही गई ख़त्म, वो तो आपने अपने आप से शेयर कर दी, तो आपके पास डरने की कोई बात नहीं है। भाई क्या होगा, ज़्यादा आपके माँ बाप आपको एक दो थप्पड़ मार लेंगे ना, लेकिन कम से कम ये तो होगा कि वो आपको समझेंगे। और अगर माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें भी समझना चाहिए। आज के समय पे ये चीज़ें काफ़ी नॉर्मल होते जा रही हैं। आप अपने बच्चों को जो थोड़ा मोड़ा पनिशमेंट है वो दें, लेकिन उन्हें समझें और उन्हें इस परेशानी से निकालने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपने उसने इस परेशानी से निकालने की कोशिश नहीं की तो काफ़ी सारी हेडलाइंस न्यूज़पेपर और मीडिया में ये भी बनती कि लोगों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। और जो इस तरीके के स्कैमर है वो सतर्क हो जाएं। 7 साल तक का पनिशेबल ऑफेंस है, क्या है IPC की सज़ा, क्या है हमारे भारतीय कानून में उसमें सज़ा का प्रावधान, वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में या आप अपने बॉयफ्रेंड को ब्लैकमेल या थ्रेट कर रहे हैं तो तुरंत प्रभाव से आप रुक जाएं, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में अपने आप को डाल लेंगे। अगर गलती से उन्होंने सुसाइड कर लिया या सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया तो ये भी सारा कुछ आपके सर पर आएगा, क्योंकि आप उन्हें थ्रेट कर रहे थे, आपने उन्हें मजबूर किया कि इस तरीके के वो स्टेप या कदम उठाएं। वापस आते मुद्दे पे, आपने शिकायत कर दी। शिकायत करने के बाद में मैंने आपको एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट का ऑप्शन दिया, एक मैंने आपको बताया कि आपके पास लोकल पुलिस स्टेशन में ऑप्शन है। कई बार ऐसा होता है कि जो फ्रॉडस्टर है, जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति, जो स्कैम करने वाला व्यक्ति है, जो आपको एक्सटॉर्ट कर रहा है, वो व्यक्ति कहीं दूर बैठा हो और वो हो सकता है कि आप उसे डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, तो इस कंडीशन पर आपको साइबर क्राइम फ्रॉड कंप्लेन रजिस्टर करनी है। साइबर कंप्लेन स्कैम से संबंधित जो आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं वो आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो डरे नहीं, घबराएं नहीं, चिंता नहीं करें, अपने नज़दीकी से बात शेयर करें और उसके बाद किस तरीके से आपको कंप्लेन अपनी मूव कर, कहाँ पे मूव करनी है वो मैंने आपको बताया। इसके बाद एक वीडियो में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा किस किस सेक्शन में अपराध हो जाता है यदि कोई व्यक्ति आपके साथ में ऐसा करता है। और कोई व्यक्ति इस वीडियो को अगर देख रहा है वो अगर इस प्रकार के अपराध किसी के साथ में करना चाहता है तुरंत प्रभाव से रुक जाए, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ी भारी मुसीबत में डाल लेगा। कानूनी प्रावधान क्या है अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रिवेंज एटीट्यूड से संबंधित बात आती है, साइकोपैथ से संबंधित बात आती है, जहां पर इस प्रकार के बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं, न्यूड फोटोज़ को लेकर के, वीडियोज़ को लेकर के, ब्लैकमेलिंग थ्रेटनिंग जो हो रही है और दबाव बना करके, या कि मुझसे शादी करो, या मुझे इतने पैसे दो, या कि मेरी मनमानी करो, या कि मेरे पास में शारीरिक संबंध रखो, ये सारी जो बातें हो रही हैं कैसे करना है बचाव, इसके बारे में हम लोगों ने बात की। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। किसी परेशानी के लिए यदि आप करना चाहते हैं बात, बिल्कुल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है जहां से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझे बात कर सकते हैं। आपने शुरुआत की थी अशोक पांडे के साथ, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। जी हाँ, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसमें क्या है तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी और स्कैम के बारे में बात करेंगे। डेटा एंट्री जॉब बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके पहले भी बात कर चुके हैं ATM फ्रॉड्स क्या होते हैं, डिलीवरी फ्रॉड्स क्या होते हैं, कौन सा एक्सटॉर्शन क्या होता है, और इस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी रिवेंजफुल एटीट्यूड ऑफ गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, रिवेंजफुल एटीट्यूड स्कैम रिलेटेड टू गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। ये अगर टॉपिक, ये मुद्दा आपको पसंद आया हो, इस प्रकार के और वीडियो आप चाहते हो, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताओ, मैं और वीडियो बताऊंगा और वीडियो जानकारी आपको देने का करूंगा प्रयास। मिलते हैं अगले वीडियो में, रखें आप अपना ध्यान।